दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी करने वाले एक शख्स को दहेज मांगना महंगा पड़ गया। दुल्हन ने दहेज के लालची दूल्हे से शादी करने से इनकार कर दिया और बारात में आए एक दूसरे युवक से उसी मंडप में शादी कर ली। सोमवार को दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल आशीष अपनी बारात लेकर प्रियंका के घर झुंझुनू पहुंचा था, लेकिन शादी से पहले आशीष ने लड़की वालों से 25 लाख कैश और स्विफ्ट कार की मांग की। प्रियंका ने आशीष से शादी करने से मना कर दिया। आशीष को बारात लेकर बैरंग लौटना पड़ा और बारात में ही आए कमल नाम के शख्स ने प्रियंका के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे प्रियंका ने मान लिया और दोनों की उसी मंडप में शादी कर दी गई। राजस्थान के झुंझुनू में दुल्हन ने पेश की मिसाल। दहेज मांग रहे दूल्हे को दुल्हन ने बैरंग लौटाया। शादी को कैंसिल करने का क्या कारण था? हम लोगों ने पापा से दहेज मांगा था, दहेज की मांग की, इसलिए शादी कैंसिल। फिर उसके बाद में आपने मना किया? मैंने मना किया। बारात में आए शख्स ने थामा दुल्हन का हाथ। बॉलीवुड की फिल्मों में आपने ऐसी कई कहानियां देखी होंगी जब दहेज की मांग पर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया और उसी मंडप में एक अनजान शख्स ने लड़की का हाथ थाम लिया। लेकिन ये फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं बल्कि हकीकत है। ये राजस्थान के झुंझुनू का पाथरौली गांव है, जहां सोमवार को राजस्थान सरकार में ड्राइवर महिपाल सिंह खांडा की बेटी प्रियंका की शादी थी। प्रियंका की शादी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल आशीष से हो रही थी। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। प्रियंका भी सज धज कर तैयार बैठी थी, लेकिन तभी वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। शादी को कैंसिल करने का क्या कारण था? हम लोगों ने पापा से दहेज मांगा था, दहेज की मांग की, इसलिए शादी कैंसिल। फिर उसके बाद में आपने मना किया? मैंने मना किया। शादी से पहले आशीष ने प्रियंका के परिवार से 25 लाख कैश और स्विफ्ट कार की मांग कर दी। आशीष ने लड़की वालों से 10 तोला सोना भी मांगा। एन मौके पर इतनी बड़ी मांग के सामने प्रियंका के पिता बेबस हो गए। उन्होंने लोक लाज और अपने सम्मान की दुहाई दी, लेकिन आशीष नहीं माना। उन्होंने 25 लाख रुपए और स्विफ्ट डिजायर प्लस 10 तोला सोने की डिमांड की थी। लगन तक कोई डिमांड नहीं थी उनकी, उनके बाद लगन के दे के आए, उसके बाद उन्होंने डिमांड कर दी। रात को 3 बजे हम वापस लौटे थे। क्या फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ सर, हमने उनसे रिक्वेस्ट काफी किया, पैर वगैरह पकड़े, उनको बोला कि भाई आप दहेज तो हम नहीं दे सकते, इतना तो आप करो। उन्होंने हमारे पर मजबूर कर दिया। फिर मैंने कहा आप रात लेके आओ, हमने बरात बुला दिया, मेरी बेटी ने मना कर दिया साहब शादी नहीं करूंगी। क्या कहा बेटी ने? बेटी ने कहा मैं पसंद नहीं करती ऐसे दहेज वालों को, तो मैं शादी करूंगी। जब प्रियंका को पता चला कि जो शख्स उसका जीवन साथी बनने वाला है वो दहेज का लालची है, तो प्रियंका ने आशीष से शादी करने से मना कर दिया। उसने आशीष को बारात वापस लेकर जाने को कह दिया। अब बड़ा सवाल ये था कि प्रियंका की शादी कैसे होगी। इसी मौके पर बारात में ही आए कमल नाम के शख्स ने प्रियंका के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे प्रियंका ने मान लिया और दोनों की उसी मंडप में शादी कर दी गई। अब इस शादी के बाद पूरे इलाके में प्रियंका की जमकर सराहना हो रही है। झुंझुनू के एमपी और एमएलए भी उसे शाबाशी दे रहे हैं। एक बेटी ने कल एक साहस भरा कदम उठाया, एक दहेज के लालची को ठुकरा कर जिस तरह से उन्होंने वहाँ सब पब्लिक के सामने साहस दिखाया, वो बहुत बहुत खुशी देने वाला अवसर था उस समय। और कुछ लोगों को सीख भी इस बात से लगी कि जो लोग महिलाओं को वस्तु समझते हैं और मोटा दहेज मांगते हैं, तो उन लोगों के लिए एक सबक भी था। ये समाज के अंदर एक ऐसी मिसाल उस बच्चे ने पेश की है, उससे समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज आएगा और इस तरह के दहेज के जो लोभी लोग हैं उनको सबक मिलेगा। और मैं उस लड़के का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने हिम्मत दिखाई कि उसने उस बच्ची का मनोबल नहीं टूटने दिया और उससे शादी की। प्रियंका ने समाज के सामने जो मिसाल पेश की है वो काबिले तारीफ है। संदीप केडिया, इंडिया टीवी, झुंझुनू।